Hello friends, once again I welcome you all on my YouTube channel, Arun Singh Vinamra. मित्रों, अभी तक हम प्राचार्य पाठ्यक्रम के जिस भाग का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं उसमें हमने बहुत सारी बातें देखी, लेकिन आज हम लोग जिस अध्याय की शुरुआत करेंगे, मित्रों अगर मैं कहूं कि वह पूरे पाठ्यक्रम का मुख्य भाग है तो शायद अतिशयोक्त नहीं है। इस पाठ्यक्रम का जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 4, 5, 6 और 7, यद्यपि इन विभिन्न यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक मेंशन्ड हैं, लेकिन अगर आप बहुत गहराई से ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि ये सारे टॉपिक, जहाँ तक उत्तर प्रदेश विशेष के उच्च शिक्षा व्यवस्था के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की पूरी उच्च शिक्षा की व्यवस्था एक मास्टर गाइडलाइन से गवर्न होती है और बाकी सभी संस्थाओं को, सभी परिनियमों को, सभी अध्यादेशों को, सभी विनियमनों को उसी के अनुरूप व्यवहार करना होता है या उसी के अकॉर्डेंस बनाना, यह संबंधित संस्था की, अधिकारी की, निकाय की अनिवार्य जिम्मेदारी होती है। जिसे आप यूं कहें कि कुछ भी नियम बनाएं लेकिन संविधान की मूल भावना आहत नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों वह मास्टर नियम जो है वो मास्टर नियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसे हम 10 ऑफ 1973 कहते हैं, वह है। तो कुछ भी अब हमको अलग से, चाहे स्टेच्यूट की बात पढ़ाई जाए, चाहे हमको रेगुलेशन की बात बताई जाए, चाहे हमको एक्ट की बात बताई जाए, तो ये सारे उसी यूनिवर्सिटी एक्ट में दिए गए गाइडलाइंस या उसके द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही संबंधित व्यक्ति या संस्था को अधिकार होता है कि वह कोई दिशा निर्देश जारी कर सके। हाँ, चूंकि जो संस्थान विशेष का दिशा निर्देश वहाँ की समय, वहाँ के देश काल, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की जरूरतें, वहाँ का स्टेक होल्डर, इसके आधार पर जारी होता है और सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भावना जो विद्यालय अधिनियम 1973 है उसके अनुरूप ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे हम अलग अलग कोई भी चीज़, चाहे हम एफिलिएशन की बात करें, चाहे हम अकाउंट्स की बात करें, चाहे हम ऑडिट की बात करें, चाहे हम सर्विस कंडीशंस की बात करें, चाहे हम ड्यूटीज़ की बात करें, राइट्स की बात करें, ये अलग अलग जगह जगह हमको पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट रूप से मिलती हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल भावना इस विश्वविद्यालय अधिनियम में समाहित है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमको कुछ भी जानने और पढ़ने से पहले अगर हम विश्वविद्यालय अधिनियम को विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से बाकी जितने भी पार्ट हैं, जैसे यूनिट मैंने आपसे बताया कि 4, 5, 6, 7, ये अलग अलग यूनिट जरूर हैं, लेकिन ये सारे यूनिट्स का जो क्रिएशन है यह विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्न करता है और यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह स्टेट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी महाविद्यालय हो, चाहे वह ऑटोनॉमस हो, चाहे वह एडेड डिग्री कॉलेज हो, चाहे वह सेल्फ फाइनेंस हो, इन सब की गतिविधि उसी मुख्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत ही संचालित होती है। इसलिए विश्वविद्यालय अधिनियम को
बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से समझना। प्रशासनिक जो पार्ट है सिलेबस का, उसके लिए अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि अकेले विश्वविद्यालय अधिनियम पूरे सिलेबस के 50% से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपने कितनी गहराई से, कितने बेहतर ढंग से, कितनी समझदारी से इस अधिनियम को आपने तैयार किया हुआ है। मित्रों, कोशिश भी ये की गई है कि विश्वविद्यालय अधिनियम का एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाया जाए, इसलिए क्रम से चैप्टर वाइज, आर्टिकल सेक्शन वाइज विश्वविद्यालय अधिनियम को यहाँ विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। और अंत में विश्वविद्यालय अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, या आप यूँ कहें कि कुछ डायरेक्ट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में 10-15 सालों में विभिन्न जगहों पर पूछे गए हैं, उनको समराइज करके आपको रिवीजन के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय अधिनियम को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आप एक बार भी अगर सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको यह अधिनियम तैयार हो जाएगा। एज यूजुअल, पहले ही लेक्चर में इसका PDF लिंक पड़ा हुआ है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि चूँकि PDF बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए आप स्पष्ट रूप से पहले इसको सुनें और फिर उसको पढ़ें, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यदि आपने इस चैनल को अभी तक न सब्सक्राइब किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जस्ट टू रिसीव एनी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। इसके अलावा, जैसा मैं आपसे हर बार ये क्लेम करता हूँ कि किसी भी अध्ययन सामग्री को मैं यह दावा नहीं करता कि इसका मैंने सृजन किया है, विश्वसनीय सूत्रों से, विश्वसनीय स्थानों से सिर्फ इसको इकट्ठा किया गया है और इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने का आपकी सुविधा के लिए प्रयास किया गया है। इसलिए मैं उन सभी लेखकों के, उन सभी चैनलों के, उन सभी स्रोतों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जहां से यह सामग्री एकत्रित की गई है। इसे सिर्फ और सिर्फ जनहित एकत्रित की गई है, इसलिए एक बार मैं उन सब से माफ़ी मांगते हुए जिनके प्रयासों का मैंने यहाँ उपयोग किया है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों में इसे शेयर करें। तो मित्रों, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसे हम 10 ऑफ 1973 कहते हैं। मित्रों, इसके पहले कि हम लोग अधिनियम पढ़ें, कुछ सामान्य बात जो हम पिछले वीडियो में शायद पढ़ चुके हैं कि बड़ी अस्पष्ट धारणा हमको इस बात की पता होनी चाहिए कि अधिनियम क्या है, परिनियम क्या है, यानी एक्ट क्या है, स्टेच्यूट क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है और रेगुलेशन क्या है। मित्रों, जैसा मैंने आपसे बार बार कहा कि जब हम अधिनियम की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि एक्ट इज ए जनरल गाइडलाइन, बट इट इज ए मास्टर पीस ऑफ रूल्स विच इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी केस। तो जब हम विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट एक ऐसा सामान्य दिशा निर्देश है जो विश्वविद्यालय, जो समस्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा। तो एक्ट सामान्य प्रोविजन है, आप ऐसे कह सकते हैं। जब हम स्टेच्यूट की बात करते हैं, परिनियम की बात करते हैं, तो स्टेच्यूट परिनियमावली का मतलब है कि दिशा निर्देश इन पर्टिकुलर केस, संस्थान विशेष के लिए जब हम किसी दिशा निर्देशों के समूह की बात करते हैं, एक नियमावली की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पूरे प्रदेश का है, लेकिन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का स्टैच्यूट
वो एक्सक्लूसिवली फॉर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह स्टैच्यूट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करता है स्टैच्यूट, और एक्ट जनरल इंस्टीट्यूट की बात करता है जो सब पर लागू होगा। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस एक्ट के रेफरेंस में भी हो सकता है और स्टैच्यूट के भी रेफरेंस में हो सकता है। जब हमारी असेंबली से कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, प्रोसेस में मान लीजिए असेंबली प्रोसेस में नहीं है, पास नहीं हो सकता है, तो राज्यपाल ऑर्डिनेंस कर देता है और बाद में उस ऑर्डिनेंस को पास करके हमारे एक्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह से जब तक पढ़ने वाले में कोई चीज़ नहीं जुड़ी है तब तक कार्यपालिका कोई ऑर्डिनेंस कर देती है, कोई अध्यादेश जारी कर देती है, तब तक ये कोई अचानक कोई आवश्यकता पड़ गई जिसके बारे में कोई दिशा निर्देश स्टैच्यूट में शामिल नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस हम एग्जिस्टिंग एक्ट या स्टैच्यूट में कोई चीज़ ऐड करने के लिए या कोई चीज़ वहाँ से ख़त्म करने के लिए, कभी कभी एक्ट स्टैच्यूट में समय के आधार पर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है लेकिन अब टाइम फ्रेम के रेफरेंस में उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है या अब वो नुकसान कर रही है या उसे सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है तो उसे हटाना भी होता है। तो ऑर्डिनेंस हम जोड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं और हटाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब रही बात रेगुलेशन क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एक्ट के अकॉर्डेंस हम स्टैच्यूट बनाते हैं, स्टैच्यूट और एक्ट के अकॉर्डेंस ही हम ऑर्डिनेंस पास करते हैं, और कभी कभी ये तीनों के आधार पर जो नियम कानून बनाए गए वो आधिकारिक ग्राउंड पर जब जाता है तो उसको समझ आता है कि इसमें से तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नियम लागू किया जाए, तो कभी कभी ऐसी स्थिति में वह खुद कोई ना कोई विनियम पास करता है। तो अधिकारी जब एक्ट स्टैच्यूट और ऑर्डिनेंस के अकॉर्डेंस कोई नियम बनाया जाता है तो उसे हम विनियम कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। इसलिए एक्ट स्टैच्यूट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, इनके बारे में आइडिया बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर हम आगे आसानी से समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें और ये सारे प्रोविजंस इस विश्वविद्यालय अधिनियम में भी कहीं ना कहीं किए गए हैं जिनके आधार पर इनका क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए मित्रों हम अब विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रारंभ करते हैं। लंबा है, थोड़ा टेक्निकल भी है, इसलिए आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि मन से सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आपको पूरी तरह समझ में ना आ जाए तब तक सुनिए, क्योंकि एक बार पढ़ने पर, फिर एक बार लिखने पर, फिर एक बार आपके लिए बोल कर इसे रिकॉर्ड करते समय, इतने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में नहीं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इसे याद करने में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मित्रों। इस उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसे हम 10 ऑफ 1973, ये प्रश्न भी कभी कभी आया है कि यह 1973 के वर्ष में इशू का होने वाला कौन सा अधिनियम है, तो 10वां अधिनियम है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 346, यह याद रखने वाली बात है कि 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 346 की राज्य सूची जो है उसमें क्रम संख्या 32 में विहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय के गठन का अधिकार प्राप्त है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1973 में 10वां अधिनियम जो पारित हुआ उसे पारित करने का अधिकार राज्य सरकार को भारत सरकार की जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अनुच्छेद 346 में, जिसमें राज्य सूची का वर्णन किया गया है, राज्य सूची के 32वें क्रम संख्या पर जो विहित प्रावधान है उसके तहत राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय के गठन का अधिकार प्राप्त है।